क्यों कमल हासन की पत्नी सारिका ने बिल्डिंग से लगा दी थी छलांग। एक्टर, राइटर और डायरेक्टर कमल हासन आज साउथ में एक बड़ा नाम है। ये वो अभिनेता हैं जिन्होंने साउथ की फिल्मों के साथ हिंदी सिनेमा में भी सफल फिल्मों का योगदान दिया है, मगर इनकी निजी जिंदगी की अगर बात करें तो प्यार के मामले में ये कभी भी सेटल्ड नहीं रह सके और इसकी वजह से इनकी पत्नी सारिका ने परेशान होकर बिल्डिंग से छलांग भी लगा ली थी। 1970 के दशक में साउथ सिनेमा में कदम रखने वाले कमल हासन धीरे धीरे बड़े स्टार बन गए। हालांकि उनके मुकाबले दक्षिण में रजनीकांत एक बड़ा नाम थे, मगर दोनों ने अपनी अलग अलग पहचान इंडस्ट्री में बनाई। शुरुआती दिनों में कमल ने साउथ की जानी मानी अभिनेत्री श्रीविद्या के साथ काम किया। दोनों की नजदीकियों को देखते हुए ये अटकलें लगाई गई कि दोनों के बीच प्यार का रिश्ता है, मगर ये अटकलें ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई क्योंकि कमल हासन का दिल भरतनाट्यम की एक खूबसूरत और बेहद प्रतिभाशाली डांसर वाणी गणपति पर आ गया था और बाद में इन दोनों ने शादी कर ली, मगर कुछ सालों बाद इस रिश्ते में दरार आने लगी और दोनों के बीच तलाक हो गया। इसके बाद कमल हासन सागर फिल्म की शूटिंग के दौरान अभिनेत्री सारिका के संपर्क में आए। कमल हासन के उनकी जिंदगी में आने के बाद सारिका ने फिल्मों को छोड़ दिया और चेन्नई शिफ्ट हो गई और कमल के साथ लिव इन में रहने लगी। फिर श्रुति हसन के पैदा होने के बाद 1988 में दोनों ने शादी कर ली। ये रिश्ता तब तक ठीक था जब तक सारिका की सहेली गौतमी उनकी जिंदगी में नहीं आई। गौतमी की लव मैरिज वाली शादी टूट चुकी थी और वो अक्सर सारिका के साथ उसी घर में रहने लगी थी। सारिका को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उनकी खास सहेली के साथ उनके पति की नजदीक क्या बढ़ जाएगी। आखिरकार जब मामले से पर्दा उठा तो सारिका बेहद अपसेट हो गई थी। इसी वजह से एक बार तो उन्होंने चेन्नई के फ्लैट की बालकनी से नीचे छलांग लगा दी थी। काफी चोट लगने के कारण सारिका को 3 महीनों तक अस्पताल में रहना पड़ा था। अस्पताल से वापस लौटने पर कमल हासन और गौतमी की नजदीकियों को देखते हुए सारिका ने कमल से अलग होने का फैसला कर लिया। साल 2008 में तलाक के बाद सारिका अपनी दोनों बेटियों के साथ मुंबई आ गई और फिर से करियर की शुरुआत की। सारिका हाल ही में फिल्म ऊंचाई में नजर आई थी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियो से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले हमारे चैनल को।